बिहार के बक्सर जिला का यह मेला मंडी है, चौसा मंडी। आज हम चौसा के मेला मंडी में ठीक 8:30 बजे के करीब उपस्थित हुए हैं। यहाँ देखिए, इस मेला मंडी में एक ये गाय बिक्री होने के लिए आई है, जिसे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सहीवाल है, ये गाभिन गाय है। अभी कितना समय ले जाएगी ये बच्चा देने में? 15 दिन का समय भैया बता रहे हैं कि 15 दिन अभी लगेगा बच्चा देने में। कद काठी की ठीक है, ऊंची भी है और लंबी भी है। दांत में दांत ये दूसरे ब्यात में हो जाएगी ना? और पहला ब्यात है अभी। पहला या दूसरा? पहला है। भैया इधर इधर ले आइए, इधर एक मिनट खड़ा कीजिए, थोड़ा हाथ लगाइए उसके आयन पे, थन पे। सीधी साधी ये एक गाभिन गाय है, एकदम सीधा ठंडा है। वैसे थनों से स्पष्ट मालूम चल जा रहा है, सीधा ठंडा है, एकदम सीधा ठंडा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या दाम मांग रहे हैं भैया? दाम 85,000। होगी कितने में? देने वाला फिक्स रेट 75 है। 75। थोड़ा सीधा ले चलिए। काफी एक सुंदर साहिवाल नस्ल की गाय, लोगों की जरूरत होती है साहिवाल नस्ल की गाय। क्वालिटी की साहिवाल इस मंडी में नहीं है, लोग चाहते हैं कि वो साहिवाल गाय ही रखेंगे, उनके लिए ये गाय सबसे सही। साहिवाल में कभी भी आप लोग देखेंगे तो ये जो नाभि है वो डब्लू शेप में जाता है, डब्लू आकार। सीधी सादी एक साहिवाल है। सहयोगी थोड़ा हाथ लगाइए उसके थनों पे ताकि इसकी सीधापन का पता लगे। सीधी गाय है, बहुत सीधी है। जब भी अपने यहाँ गाय रखें तो ये जरूर चीज़ देखें कि उसके अंदर सीधापन है या नहीं, शांति तरीके से खड़ी है या नहीं, क्या हाथ लगाने दे रही है या नहीं, ठीक ठाक है। भैया इसको पहले 85,000 रुपये बोले, इसके बाद बोले 75 में दे देंगे। दांत दिखा सकते हैं? चार दांत, थोड़ा हाथ लगाइए। देखे हम लोग देखे, आराम से आराम से, घबराएगी? और चार दांत है? चार ही में है। चार है, चार ही। बहुत सही, एक सुंदर गाय है। चौसा के मेला मंडी में एक ये गाय बिकने के लिए आई है। आज के इस मेला मंडी में गाय बहुत कम आई हुई है, ये देखिए सब का सब पूरी मंडी ही खाली है। पता नहीं 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं इस मेला मंडी में गाय नाम की चीज ही नहीं रह गई है। हमें लग रहा है कि चुनाव और पर्व होने के वजह से कहीं ना कहीं इस मेला मंडी पे असर देखने को मिल रहा है। वैसे लोग बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस मेला मंडी में गाय बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगी। देसी में है, गाभिन है, गाभिन, माफ कीजिए बाबा। थोड़ा इधर ले आइए, तो इधर ले आइए। एक बड़ी कदकाठी की एक गाय है, क्रॉस ब्रीड में है। एक गर्भित गाय है, अभी कितना समय ले जाएगी बाबा? 10 दिन। थोड़ा आगे बढ़ाइए, कौन से ब्यान में हो जाएगी ये? दूसरा। और का दाम मांग रहे हैं इसका? दाम 90,000, जो कीमत इस मेला मंडी से आप लोगों को बताया जा रहा है ये निर्धारित नहीं है। हमें लग रहा है कि इस गाय की खरीदारी के लिए कोई व्यक्ति अगर अच्छे से बातचीत चलाए तो ये गाय 60
65 के गिर्द आ सकती है। ये गाय डेयरी फार्म के लिए सबसे उपयोगी गाय है। इसमें देसी की भी मात्रा देखने को मिल रही है। ये गाय गर्मी के समय में हाफेंगी नहीं। ब्याने के बाद इसका दूध टाइम का 6-7 लीटर से कम नहीं होगा। बड़ी बॉडी की गाय है, बड़ी शरीर की गाय है। कोई भी मवेशी अगर बड़ी शरीर की होगी तो उसका दूध क्षमता भी ज़्यादा रहेगा। इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखें। आइए आइए उमा शंकर जी, इधर आइए। ठीक है, लेकिन कुछ कमियां देखने को मिल रहा है। मेला में माल कमी कम गिरी है। क्यों? त्योहार के वजह से आ रही है। गर्मी चल रहा है। तो इससे पहले गर्मी नहीं था क्या? गर्मी तो आज 2-3 महीना से गर्मी गिर रहा है। तो आज गाय बहुत कम आई है, क्या कारण? माल कमी का है। यहाँ से माल अब अगला बाजार से माल गिरने लगा। अगला बाजार से? उमा शंकर जी का कहना है कि अगला हफ्ता से गाय कहीं ना कहीं इस मेला मंडी में भरेंगे, है ना? बहुत कम है। बहुत कम। अभी अभी इस गाय की खरीदी करने वाले व्यक्ति कर लिए हैं। थोड़ा पता लगाइए तो कितने में खरीदे हैं। अजीत भैया हैं जो बराबर दिलदार नगर के मेला मंडी में भैंसों की खरीदारी करते हैं। बच्चा इस गाय के पास हम देख रहे हैं, बछड़ा। काफी एक अच्छी ये दूध वाली गाय है। अजीत भैया कितने में? ₹1,08,000 रुपए में दो गायों को बता रहे हैं। यानी ये गाय 50-50 के आसपास पड़ी होगी, 45-47 के भाव में। लोग अपने बजट और अपने ज़रूरत के अनुसार गायों की खरीदारी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं दो हफ्ता से इस मेला मंडी में गाय बहुत कम आ रही हैं। किसी समय में यहाँ पे गायों की लंबी कतार लग जाती थी, लेकिन देखिए त्यौहार होने के वजह से और चुनाव होने के वजह से ही ये स्थिति बनी हुई है। आने वाले समय में हमें लग रहा है कि एक आध हफ्ते के बाद ही कुछ सुधार देखने को मिलेगा। भैया मंडी बहुत खाली है, क्या कारण? मंडी तो पूरा खाली है। क्या कारण है? मुसलमान लोग को पर्व ही है। पर्व की वजह से? पर्व पूजा खाली है। क्या नाम है आपका? तापस घोष। घोष कोलकाता? हाँ, कोलकाता। कितना ले जा रहे हैं? के हम पर ले जाए। सब दूध की है? हाँ, दूध की। सब दूध की। कितने के भाव में आ रही है बताएगा बाद में। ये कहाँ का है मिठाई? कलकत्ता से हमारे लिए मिठाई आया है, एक भैया हैं वही लेके आए हैं। बहुत बढ़िया, सुंदर, खाइए। भैया कितना? चौसा के मेला मंडी में अभी अभी ये भाई आए हैं ना। किस जगह से आए हैं? हम हावड़ा। हावड़ा से आए। बहुत बढ़िया, आप हमारे यहाँ आए तो सबसे पहले मिठाई लेके आए हैं। धन्यवाद कहना चाहूँगा जो कोलकाता की अच्छी मिठाइयों को लेके आए, है ना जी। तो भैया यहाँ पे आप घूमने के लिए आए हैं? जी जी, देखने के लिए आए हैं। लोग वीडियो में दिखाते हैं कुछ, जब वहाँ जाके देखते हैं तो कुछ अलग होता है। तो हम सोचे पहले जाके देख लें। जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उसके साथ ये मंडी का मिलता जुलता है क्या? जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जो भी मैं यहाँ के कैटल का जो भी आप लोग को रेट बताते हैं हम अपने तरफ से, या फिर जो व्यापारी बताते हैं, वो रेट फिक्स नहीं होता है पहले तो, है ना। मान लीजिए व्यापारी 60,000 बोला तो आपको वो कम दाम में ही मिलेगा वो कैटल, है ना, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। और दाम तो इसलिए ये लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि आपके जैसे खरीदार व्यक्ति अगर मान लीजिए कहीं ले गया, उसको सेल आउट करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका मुनाफा बना रहे,
दो ही में है, दो दांत में है। खोलिए घुमाइए। आज के इस मेला मंडी में गाभिन गायों की संख्या बहुत ज्यादा है। जहां हम जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए तो वहां देख रहे हैं कि गाभिन गाय ही नजर आ रही है। क्या दाम मांग रहे हैं? ये भी गाभिन है क्या? घुमाने वाले लड़के को इसका कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक दो हफ्ते के अंदर ही बच्चा दे देगी, एक आध हफ्ते के अंदर। ये कौन सी नस्ल की है? इसमें थोड़ी सी थारपारकर की मात्रा दिखाई दे रही है। थारपारकर के भी इसमें मात्रा है। डेढ़ी मना रही है। भाई लोग यहाँ पे जो आप लोग ये गाभिन गाय देख रहे हैं, इस गाय की खरीदारी के लिए एक ये व्यक्ति आए हुए हैं और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाम लगा रहे हैं। 40,000 रुपये बोल रहे हैं इस गाय का, लेकिन बेचने वाले जो व्यक्ति हैं कभी भी नहीं देंगे। मेला मंडी में आज गाय बहुत कम आई हुई है और आप लोग को तो मालूम ही होगा कि किसी भी चीज़ की कमी होती है तो उसकी कीमत भी कहीं ना कहीं अधिक होती है। कितना दाम लगा रहे हैं चाचा? 42,000 लगाए। 42,000 हाँ, ये देखिए भैया आए हैं इस मेला मंडी में, वैशाली से आए हैं। जी मैं वैशाली से आया हूँ और वीडियो देख के आए हैं आप ये। हाँ भैया कह रहे हैं कि वीडियो में अच्छी अच्छी गाय होती है। भैया क्या है कि मेला मंडी है, उतार चढ़ाव होता रहता है। आज क्या है और कल क्या रहेगा इसका कोई ठीक नहीं रहता है, तो बढ़िया से आप लोग अपडेट जान के ही आइए कि मेला मंडी अगला कैसा गया तो इस बार कैसा जाएगा। अगली मंडी भी दबी हुई थी और ये मंडी एकदम बिल्कुल दब गई है त्यौहार से, ठीक है ना। जब भी कोई पर्व आता है तो आप लोग समझ जाइए कि मेला मंडी कहीं ना कहीं दबेगा, यानी उसके ऊपर असर आएगा ही, सब कारोबारियों के ऊपर असर आ जाता है। तो उसको देखते हुए जायजा लेके ही यहाँ पे आइए, ये ना हो कि जब मर्जी तब निकल जाए, ठीक है ना। उतार चढ़ाव होता रहता है, मेला मंडी है। इसको चचा आपके यहाँ जाएगी तो 10 दिन के अंदर ही बच्चा दे देगी, 10 दिन के अंदर ही, हफ्ता भर के अंदर। हाँ 25 तारीख के अंदर मैंने पूरा हो जाए। 25 तारीख यानी आज वो नहीं सो गया, देखिए 6 दिन रह गया। हाँ तो नहीं बात कर रहे थे दो दिन पहले तक ही है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये बात अब नहीं बता। अरे मेरे भाई अब हम क्या बताएं, कभी भी ऐसा नहीं होता है, ये जीवन में हम पहली बार देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा मेला मंडी कभी भी नहीं हुआ है। आप दे देते हैं उचित दाम में तो हम भेज देते हैं इस गाय को। दाम लगेगा तो गाय अच्छी है, लेकिन हाँ अच्छी है, घर शांत स्वभाव की है। हाँ।
उसके अंदर से घुस के निकल जाइए तो उस पार एक लाख लेंगे। सीधी गाय सीधी गाय सीधी गाय एकदम सीधी। हाँ एकदम सीधी, घर के लिए इस तरह की गाय बहुत सही है। सीधी है भैया, हमसे तो ये बोले हैं 75, अब उसी में कुछ कम होगा इधर उधर बात करने पर। कितना चाचा? 50 में नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं देगा चाचा। कह दीजिए, कह दीजिए, 2 ही रुपए कहिए, 1 ही रुपए कहिए, लेकिन कहिए भाग मनाइए। ट्रेन से आए और अपनी गाड़ी लेके आए होते तो नुकसान हो गया होता। देखिए वीडियो देख के आप लोग समझ जाइए कि मेला मंडी कैसा है। जो पिछला वीडियो में गाय बहुत कम थी, मेला मंडी सही नहीं था, तो आपको ठहर के आना चाहिए था। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अब आपसे बात ना हो गया है। अब अगले दिन से अभी उस हिसाब से आपको भी तो नहीं पता। आप हमसे नहीं नहीं मान लीजिए, आप जिस दिन बाजार सही आएगा, माल सही आ जाएगा उस दिन, अब हम उनको बताया जाएगा तो इतना दूर है जो मत समझिए। चाचा हम एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये मेला मंडी है, उतार चढ़ाव होता रहता है, कब क्या चीज आ जाए यहाँ पे कोई ठीक नहीं है। ये भी नहीं है, आज आप मान लीजिए साहिवाल खोजते खोजते आए तो हो सके तो साहिवाल नजर नहीं आए, है ना, और कोई दूसरी गाय खोजने आए हैं तो आज साहिवाल नजर आ रही है, ये भी हो सकता है। पहले इस मेला मंडी में बहुत गाय आती थी तो उसमें विकल्प रहता था, अब गाय बहुत कम आती है पहले हर साल की अपेक्षा, तो इसलिए सोच समझ के चलना पड़ रहा है। ट्रेन छूट जाते, चलो जाइए ट्रेन पकड़िए टाइम से और निकलिए घर। अगला हफ्ता आइएगा, पूछ के आइएगा हमसे, ठीक है ना? अगला हफ्ता हाँ। चलो ट्रेन भाई लोग, यहाँ पे जो ये गाय देख रहे हैं इसकी और वहाँ देखिए एक सामने, इन दोनों की बिक्री 65-65 के भाव में हुई है। वो सामने वाली जो गाय देख रहे हैं ना, और ये गाय जिसे मैं पहले ही दिखाया था गाभिन गाय को, ये 65,000 रुपये में बिक के जा रही है। ये पक्की खबर बताई जा रही है, अगर किसी भी भाई को कोई शक संदेह हो तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं।